ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा नगर परिषद की अध्यक्षा सुलोचना देवी व उपाध्यक्ष दीप बजाज की उपस्थिति में वार्ड नंबर 2 व 3 की नगर परिषद की सड़क का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण लगभग 35 से 40 लाख की लागत से किया गया है। हमीरपुर के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा नगर परिषद की अध्यक्षा सुलोचना देवी व उपाध्यक्ष दीप बजाज की उपस्थिति में वार्ड नंबर 2 व 3 के नगर परिषद की सड़क का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण लगभग 35 से 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सड़क की जगह यहां पर पहले एक नाला हुआ करता था, जिसके बाद लोगों की जरूरत को देखते हुए नगर परिषद द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे वार्ड नंबर 2 व 3 की जनता को आने जाने में काफी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण में लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे आगे भी हमीरपुर जिला को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि हमीरपुर जिला बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे गंदा नाले की शेप में नाला था पहले, और मैं तो बधाई भी देना चाहूंगा एमसी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का कि इसमें लगभग 35 और 40 लाख के करीब पैसा खर्च करके इस पूरे नाले को चैनलाइज किया गया है, जो कि वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 को आपस में डिवाइड करता है। और आप स्वयं देख रहे हैं कि इतनी बड़ी चैनलाइजेशन हुई है, और जो यहाँ के जो एडजॉइनिंग ओनर है, जहाँ उनके रहने का बहुत बढ़िया प्रबंध बना साथ में, उनका जो लैंड की कॉस्ट थी वो भी डबल से ट्रिपल बढ़ गई है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो था, जो जिसका आज कार्य पूर्ण हुआ और आम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया है। मैं एक बार फिर सभी एमसी के सदस्यों का, प्रधान का, उप प्रधान का, इवन सेक्रेटरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ना तो मेरा अपना है, मैंने अभी बात भी कर रहा था इनके, क्योंकि जितने भी शहर के नाले जो बीच में आबादियों के बीच में जाते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, मेरा ये सपना है कि मेरी कोशिश रहेगी कि सभी नालों का चैनलाइजेशन आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके मैं करने का प्रयास करूंगा। घोषणा नहीं की, घोषणा जिन्होंने की है उनसे पूछा जाए। मैं जो घोषणा करता हूँ मैं उसको पूरी करता हूँ, अदरवाइज मैं घोषणा करता ही नहीं हूँ। मैं आज भी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं अगर मुझे समय ठीक मिला तो मैं पूरे शहर का नालों का जहाँ संभव है, जहाँ पॉसिबल है, और ये चैनलाइजेशन शहर की एक किस्म की ये मजबूरी की जरूरत बन गई है, और ये हो जाए तो बहुत अच्छा है शहर के लिए और हमीरपुर टाउन के लिए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। जिन्होंने मेरा ये पूरा प्रयास है, जिन्होंने घोषणा की, वो सिर्फ घोषणा करते हैं, मुझे नहीं पता उनका, उनसे पूछो आप। लेकिन आपने देखा ना, मेरा 2 साल का पीरियड यहाँ का है, तो शहर में जो भी आपके सामने नजर आ रहा है, और मेरा पूरा प्रयास है कि हमीरपुर शहर बाहर से आने के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने, स्वच्छ रहे, सड़कें इसकी बढ़िया हो, यहाँ पानी की समस्या कोई ना हो, बिजली प्रॉपर मिले, और इसमें मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और अपने 2 साल के काम से मैं सेटिस्फाई हूँ। धन्यवाद।